दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब वर्ल्ड में दो पावर एक्सिस बन जाते हैं, जब दो पावर ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो उनके बीच में अपनी आइडियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस दौरान मेजर पावर्स यानी रशिया और यूएसए आपस में कई सारे प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते हैं। फाइनली 1990s में ये कोल्ड वार सोवियत यूनियन के टूटने से अचानक से ख़त्म हो जाता है। कोल्ड वार का ऐसे ख़त्म हो जाना किसी भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट या स्कॉलर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं थी जो कि इस आउटकम को प्रिडिक्ट कर पाती। ऐसे में इस इवेंट को समझने के लिए उस दौरान कई सारी न्यू थ्योरीज डेवलप हुई। लिबरल और रियलिस्ट स्कॉलर्स इस इवेंट को अपनी अपनी तरह से प्रेजेंट कर रहे थे। लिबरल पर्सपेक्टिव बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव व्यू प्रेजेंट कर रहा था। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार अब वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा, कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा और कंट्रीज आपस में इकोनॉमिकली सोशली और पॉलिटिकली डिपेंडेंट होगी। इसी डिपेंडेंसी के कारण कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। जबकि रियलिस्ट स्कॉलर्स का ये मानना था कि कोल्ड वॉर पीरियड स्टेबिलिटी का पीरियड था क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन था। अब कोल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने से बैलेंस ऑफ पावर टूट गया और वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी और एनार्की आएगी। इन्हीं रियलिस्ट स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर थे सैमुअल हंटिंगटन, जिन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी प्रेजेंट की। इनकी थ्योरी बाकी रियलिस्ट स्कॉलर्स से अलग थी। इनकी थ्योरी के अनुसार वर्ल्ड में आगे आने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स आइडियोलॉजिकल नहीं बल्कि सिविलाइजेशनल और कल्चरल होगी, जिसमें रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहेगा। हंटिंगटन ने वर्ल्ड को 8 तरह की सिविलाइजेशन में डिवाइड किया है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियन या चाइनीज सिविलाइजेशन, जापानी सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन और अफ्रीकन सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से एक आर्टिकल था जो कि 1993 में फॉरेन अफेयर्स नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुआ था। इसके 3 साल बाद सेम टाइटल से हंटिंगटन की एक बुक पब्लिश हुई। हंटिंगटन के अनुसार आने वाले समय में जो भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो सिनिक यानी चाइनीज वर्सेस वेस्टर्न वर्सेस इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच होंगे। हंटिंगटन के अनुसार ये कॉन्फ्लिक्ट वैल्यूज और कल्चर को लेकर होगा, जहाँ इस्लामिक वर्ल्ड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश करेगा और वेस्ट अपने वैल्यूज़ को इस्लामिक वर्ल्ड पर थोपने की कोशिश करेगा। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।